संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा वर्गदशम के लिए चित्र निर्माण किस प्रकार करें। मान लीजिए ये चित्र दिया हुआ है जिसमें नदी है, वृक्षा है, रजका है, बालो है, छालियती है, वस्त्राणी है, तरता है, सुष्यंती है, पर्वता है, खगा है, शिलापट्ट के है। इतने शब्द इसमें दिए हुए हैं, इतने शब्द इसमें दिए हुए हैं। इस शब्द की सहायता से और चित्र की सहायता से 5 सेंटेंस ही हम बनाना है। हमें किस प्रकार वर्गदशम के छात्र इसको हम बनाएंगे जिसमें 5 में 5 नंबर मुझे मिले। ये फिगर, ये चित्र 2003 के बोर्ड में पूछा गया था। जैसे आप शब्द को ध्यान से देखेंगे, जितने शब्द हैं इस पर हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखेंगे, अस्मिन चित्रे एकः रजकः अस्ति। अस्मिन चित्रे एकः रजकः अस्ति, इस चित्र में एक रजक है, रजक शब्द भी है, ये देख रहे हैं, ये रजक यहां कपड़ा भी धो रहा है। दूसरा लाइन देंगे, सह शिलापट्ट के वस्त्राणी छालियती। सह शिलापट्ट के वस्त्राणी छालियती, अब देखिए शिलापट्ट के भी है, वस्त्राणी भी है और छालियती भी है। इसी के शब्दों की सहायता से मुझे अतिरिक्त शब्द नहीं लगाना पड़ा, इन्हीं शब्दों की सहायता से मैंने एक सेंटेंस बना लिया। स शिलापट्ट के वस्त्राणी छालियती, वह शिलापट्ट पर पत्थर पर वस्त्रों को धोता है। उसके बाद तानी वस्त्राणी सुष्यंती, तानी वस्त्राणी सुष्यंती, वस्त्राणी है, सुष्यंती मैंने सुखाना, तानी में अपने हिसाब से उसका विशेषण लगा दिया, उन वस्त्रों को सुखाता है। बालो बालो नद्याम, क्योंकि नदी है वहां पर, बालो नद्याम तरतः, बच्चे नदी में तैरते हैं, बालो नद्याम तरतः, बच्चे नदी में तैरते हैं। क्योंकि बालो द्विवचन में है कर्ता, तो क्रिया भी द्विवचन में है। वृक्षे खगाः सन्ति, वृक्ष पर पक्षी हैं, खगा है तो कहां रहेंगे, तो वृक्ष पर हैं। तो इस तरह मैं शब्द की सहायता से, चित्र की सहायता से 5 सेंटेंस बना लेते हैं। अब हमारा मन हो को कोई दूसरा लड़का इसको दूसरे टाइप से लिखे, तो लिखेंगे अस्मिन चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है, तत्र रजकः वस्त्राणि क्षालयति, वहां धोबी कपड़ा धोता है। तत्र रमणीयः पर्वतः अस्ति, तत्र रमणीयः पर्वतः अस्ति, वहां सुंदर पर्वत है।
बालो नद्याम तरतः, दो बच्चे नदी में तैरते हैं। तत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, वहां बहुत से वृक्ष है। कोई इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से शब्द और चित्र की सहायता से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। कोई तू दूसरा बच्चा चाहे तो उसको और बदल सकता है और अपनी तरह से लिख सकता है, लेकिन हरेक सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। हरेक सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। सब्जेक्ट भर्व का ज्ञान होना चाहिए, लकार का ज्ञान होना चाहिए, तभी यह सेंटेंस सही हो सकता है और 5 में 5 हमें बोर्ड में मिल सकती है। इस चीज को हम सदैव ध्यान रखेंगे।